नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाइन लाइव में। हाल ही में शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। सैफ अली खान, अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर तमाम हस्तियों ने शाहरुख खान के घर पर शिरकत की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार पठान अभिनेता शाहरुख खान के घर पहुंचे। तो इसकी वजह है सऊद अरब रेड सी फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन मोहम्मद अल टर्की और कई मेहमान भारत आए और इनका स्वागत शाहरुख खान ने मन्नत में किया। इसी मुलाकात के चलते सलमान खान और अक्षय कुमार भी शाहरुख खान के घर पहुंचे थे। वहीं सोशल मीडिया पर संस्कृत मंत्री और उल उल्लास के शाही आयोग के गवर्नर बदर बिन फरहान अल सौद ने तस्वीर शेयर की। इस तस्वीरों में वह शाहरुख खान, सैफ अली खान, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अक्षय कुमार और सलमान खान को भी एक साथ देखा जा रहा है। उन्होंने इस तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ, शाहरुख, अक्षय और सलमान खान के साथ मुलाकात की। फिल्म दुनिया के बारे में बातचीत करने और संस्कृति को जानने का भी मौका मिला। हाल ही में शाहरुख खान पठान की शूटिंग का स्पेन स्केड्यूल पूरा कर भारत लौटे हैं। वह स्पेन के बाद दुबई के मॉल में भी नजर आए थे। स्पेन में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने पठान की शूटिंग की थी। पठान को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म के लीड रोल में जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। पठान अगले साल रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म को लेकर अभी भी काफी बज बना हुआ है। आए दिन सेट से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें भी सामने आती रहती है, जिसे फैंस सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी कर रहे हैं और फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।